ओम शांति। आज 27 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के मुरली में बाबा ने हम बच्चों को यही प्रेरणा दी है कि बच्चे अपने ऊपर रहम करो, और अपने ऊपर रहम करना अर्थात सदा बाबा की श्रीमत पर चलना, साथ ही साथ बाबा कहे हमेशा सुलटा कार्य करना। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट न करो, सुलटा कार्य करो। प्रश्न है आज की मुरली का, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर, बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना, बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है, अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने ऊपर रहम करो, यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते हैं, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। अपने को आत्म समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है, वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे आशुक माशुक भी काम तो करते हैं ना,
दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहां ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं। कहते भी है ब्रुकुटी के बीच है आत्मा स्टार मिसल। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। फायरफ्लाई अर्थात जुगनू, तो बाबा कहे फायरफ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता ही नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, मुख्य बात है ही अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है, उनमें भी नंबरवार है। जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। बल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, उच्च आत्मा बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है, बच्चों को यह खुशी भी है तो फकूर नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे, फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं, सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इनसॉल्वेंट भारत है, यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहां से जाता था,
अभी गरीब बने हैं, तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वो उधार मिल रहा है। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में मक्खन था, यह तो शास्त्र में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सोच करके कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, बाबा कहे कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनास्टी थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पांव में पदम होते हैं। वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं, पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अलाउद्दीन का खेल दिखाते हैं ना, अल्लाह जो अलाउद्दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारों का खजाना दिखाते हैं, मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहां भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया ऑपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं, और कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदियों को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे, एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी बाबा कहे मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिन होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती, वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते, सदगति दाता है ही एक।
उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं। रावण जूठखंड बना देते हैं, बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़ी है, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करते हैं, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं है। फिर रावण तुमको नर्कवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। बाप कहते हैं, तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहे, क्योंकि कला तो कम होती ही जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते भी है, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का भी पता नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, कहते भी है, भगवान वाच काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा। कहां बच्चा कहते हैं, हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं, जब ज्ञान यज्ञ रचता हूं तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं देते हैं। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। फिर कच्छ अवतार मच्छ अवतार कैसे हो सकते हैं। कितनी गाली देते हैं, कहते कंकड़ कंकड़ में है भगवान। बाप कहते हैं, मेरी और देवताओं की ग्लानी करते हो, मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण फिर श्राप देते हैं। यह खेल है
जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले क्या करते हैं? जो तकदीर वाले हैं उनकी क्या विशेषता होगी? तो बाबा कहे, तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विथ ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते हैं, डिनेस्टी है। अब बाप कहते हैं, तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग, इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है, जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सच खंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है। बाबा कहे, स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है। अभी तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सेल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। बाबा कहे, बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता बनता नहीं हूँ। बाबा कहे, मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिसको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तभी फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखाते हैं और कोई भी सिखला न सके। बाप ही पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। बाबा के सिवाय कोई भी पतितों को पावन नहीं बना सकते हैं, सदगति दाता नहीं बन सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सबको प्यार से समझाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इविल, बेहद का वैराग किसको कहा जाता है? कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें तारों का खजाना देते हैं। इसी खुशी में सदा रहना है।
आज की मुरली का मीठा वरदान है, एक सेकंड की बाजी से, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। बाबा कहे अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते। इतना हर आत्मा के अंदर शक्ति है, पावर है, लेकिन वो परिवर्तन एक सेकंड तक की स्टेज तक आ जाना चाहिए। इसीलिए बाबा ने अंतिम समयों में भी जब भी ड्रिल कराई अव्यक्त मुरली के बाद, तो बाबा यही कहते हैं बस एक सेकंड में, यानी अंतिम घड़ी का पेपर एक सेकंड में आने वाला है, एक सेकंड का होगा, और उस एक सेकंड में हमारी पूरी तकदीर फाइनल करेगा। अगर हमारा अभ्यास एक सेकंड का हो गया है तो बहुत सहज रीति से बस पेपर आया और उसी समय एक सेकंड में डिटैच अशरीरी हो जाए। आज का स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति भी दासी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।